गुड इवनिंग गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ए एन एम ब्लॉग्स गाइस वीकेंड स्टार्ट हो चुका है आज मेरा 12 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट हो चुका है सिक्स किलोमीटर अप सिक्स किलोमीटर डाउन सब कुछ ठीक था होप आप सब भी अच्छे होंगे और रनिंग कर रहे होंगे अगर रनिंग नहीं कर रहे हो तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि रनिंग इज द मोस्ट नेचुरल एंड रॉ फॉर्म ऑफ एनी एक्सरसाइज गाइस कोई भी एक्सरसाइज का नेचुरल और रॉ फॉर्म है रनिंग गाइस कीप रनिंग आज मेरा हाँ ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि फोकस किया थोड़ा सा रनिंग में पेस में और रिदम में फोकस किया ग्रुप रन होने से ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन कोई नहीं किसी दिन बनाएंगे ब्लॉग और किसी दिन कल है संडे संडे भी प्लान है कुछ और लगा यस गाइस yes, आज कुछ आपके साथ शेयर करना है ये है मैं एक्चुअली उतना इंटरेस्ट है नहीं मुझे बुक रीडिंग्स का लेकिन गाइस एक बुक है जो कि ये ये है बॉर्न टू रन गाइस ये लिखा है राइटर है क्रिस्टोफर मैकडूगल और ये बुक द न्यूयॉर्क टाइम में बेस्ट सेलर बुक है गाइस आप भी इस बुक को पढ़िए बहुत ही अच्छा बुक है और इसमें उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस बोला है एक्चुअली मैं आपको पूरा डिटेल्स में नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा और बुक रीडिंग का मज़ा आप लोग नहीं ले पाओगे मैं बस समरी में बोलने वाला हूँ इस बुक में होता क्या है एक राइटर होता है जो कि रनिंग उसका भी इंटरेस्ट होता है लेकिन उसको जब भी रनिंग करने जाता है तब भी उसको इंजरीज आता है उसने बहुत सारा शूज़ ट्राई किया नाइकी का एडिडस का बहुत सारा शूज़ ट्राई किया लेकिन उसका इंजरीज आते रहता है बैक पेन शिन पेन बहुत सारा इंजरीज आते रहता है फिर उसने एक क्वेश्चन उसके मन में आया वाई डज माई फूड हर्ट क्योंकि ह्यूमन लोग होता है बॉन्ड टू रन रनिंग के लिए बॉन्ड होते हैं लेकिन उसका पैर में क्यों दर्द आता है शू पहन के रनिंग करने से फिर ये क्वेश्चन को उसने खोजने के लिए पूरा रिसर्च कर डाला गाइस पूरा रिसर्च कर डाला और वो गया मैक्सिको मैक्सिको में एक ट्राइब है थारूमाड़ा इंडियंस तारू मारा इंडियंस लोग क्या करता है अपना लाइवलीहुड के लिए वो लोग रनिंग करता है और वो लोग अल्ट्रा रनर ग्रेट डिस्टेंस रनर है गाइस अल्ट्रा रनर को भी फेल कर देगा हंड्रेड माइल्स फिफ्टी माइल्स ऐसा रनिंग करता है लाइवलीहुड के लिए एग्जांपल देता हूँ वो लोग शिकार कैसे करते हैं एक हिरन होता है हिरन के बॉडी में क्या होता है बाल होता है उन लोगों को स्वेटिंग होता नहीं है स्वेटिंग नहीं होगा तो बॉडी कूल डाउन नहीं होगा ह्यूमन बींगस का एक, एक फीचर है जो कि स्वेटिंग होता है तो बॉडी कूल डाउन हो जाता है हिरन का नहीं होता है ये लोग क्या करता है हिरन को भगा भगा के इतना थका देता है इतना थका देता है जो कि वो फेंट हो जाता है वेवश हो जाता है फिर ये लोग शिकार कर लेते हैं उस हिरन का इसी तरीके से वो लोग अपना रनिंग को अपना लाइवलीहुड के साथ कनेक्ट करता है गाइस इसको ऊपर पूरा रिसर्च कर डाला उन लोगों को पैर में क्यों दर्द नहीं होता इंजरीज नहीं होता है गाइस आपको भी एक बात अभी पता लगने वाला है वो लोग कोई नाइकी शूज रिवॉक शूज सुकोनी स्केचर्स कोई भी शू यूज नहीं करते वो लोग लो यूज करते एक पतला सा रबर होता है जो कि स्टोन से उन लोगों को बचाए जो रस्ते में पत्थर वत्थर होता है उससे बचाता है और उसको बांध लेता है रस्सी कुछ होता है उससे बांध लेता है और कुछ नहीं वो मिनिमलिस्ट शू होता है और वो लोग उसी को यूज करके पूरा रनिंग करता है गाइस बहुत ही अच्छा बुक है आप लोग पढ़िए इस बुक को और बहुत नॉलेज भी मिलेगा और यस इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बन चुका है आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब में बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट्री है और बुक भी है गाइस आप एक बार सर्च कर लीजिए और एक बात है गाइस बहुत जन बहुत जन मेरा दोस्त लोग मुझसे पूछता है रोड रनिंग अच्छा है या खराब है या फील्ड में ग्रास में रनिंग करना चाहिए गाइस कोई भी रनिंग बुरा नहीं है मैं आपको बताता हूँ रनिंग का फॉर्म पोस्चर और रनिंग का जो स्ट्राइट होता है ये मेन फैक्टर होता है इंजरीज का गाइस आपको रनिंग का फॉर्म पोश्चर स्ट्राइट्स शूज किस टाइप का शू लेना है या फुट रनिंग करना है दिस आर द मेन एस्पेक्ट यही सब मेन चीज़ होता है इंजरीज का गाइस आप कहीं पे भी रनिंग कीजिए रोड पे भी रनिंग कीजिए फील्ड में रनिंग कीजिए बस आप घर से निकलिए रस्ते में जाइए दौड़िए बी ए रोड रनर गायस वी ए रोड रनर्स और मुझको लगा गाइस ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो हेल्प हो सकता है आप लोगों का इसलिए मैंने शेयर कर दिया शेयरिंग इज केयरिंग गाइस शेयरिंग इज केयरिंग आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए गाइस सिया बाद में मिलते हैं टेक केयर गुड नाइट गाइस और एक चीज बोलना था अब ये ईयरपॉड देख पा रहे हो जरूरत था इसीलिए लिया वरना ज़रूरत नहीं होता तो नहीं लेता इसका भी अनबॉक्सिंग आने वाला है गाइस कीप वॉचिंग और बने रहिए और सिया गाइस teki